कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि कुदरत का निज़ाम तो है, लेकिन हमने अपनी मेहनत जारी रखी, हमें जो मौका मिला इस पर अच्छा परफॉर्म किया। मेलबर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा कि इस वर्ल्ड कप को 1992 के वर्ल्ड कप से मुमासलत दी जा रही है। हम नर्वस नहीं हैं, प्रेशर होता है, लेकिन कोशिश करेंगे दबाव ना लें, फाइनल में अपना 100% देंगे। कप्तान ने मजीद कहा कि हमारा काम मेहनत करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। फाइनल मैच में टॉस की अहमियत ज़्यादा नहीं है। मौसम के बारे में बात करते हुए इनका कहना था कि मौसम हमारे हाथ में नहीं, दुआ है मैच मुकम्मल हो और बारिश से मुतासिर ना हो, बस जो प्लान बनाया है इस पर अमल करना है। इब्तदाई 6 ओवर्स बहुत अहम है, हमारा यकीन अल्लाह पर है और पूरा भरोसा भी है, हमारा काम मेहनत करना है, नतीजा अल्लाह पाक के हाथ में है। रमीज राजा से मुलाकात के बारे में कहा कि मुलाकात खुशगवार रही, उन्होंने यही कहा कि खुलकर खेलें, अपने गेम पर कायम रहें। बाबर आजम ने मोहम्मद हारिस की तारीफ करते हुए कहा कि मोहम्मद हारिस ने अच्छा परफॉर्म किया, इसका हमेशा एतमाद बढ़ाया है। दूसरी जानिब कप्तान इंग्लिश क्रिकेट टीम जोस बटलर ने कहा कि पाकिस्तान की एक मजबूत टीम है, वर्ल्ड कप फाइनल जीतना कभी भी आसान नहीं होता, हमने पिछले कुछ अरसे में एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी मैचेस खेले हैं, हमें पाकिस्तान की टीम का अंदाज़ा है, मौसम का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं, बतौर टीम किसी भी सूरत हाल में खेलने को तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अब मजबूत है। वाज़े रहे कि कल इतवार यानी 13 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगी। JTC की तरफ से बड़ा ऐलान। JTC का बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खुल गया। अब USA के लोग दिल खोलकर अपने अतियात JDC को दे सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका में JDC का अकाउंट नंबर 3810605927 है। फ़ोन नंबर +1908549-1364, +1908476-8905।